भले ही अभी तक सांवेर के विधायक और पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार बरकरार है। बुधवार को भी तुलसी सिलावट ने सांवेर के किसानों की समस्या को लेकर बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को तुलसी सिलावट ने हिदायत दी है कि क्षेत्र में बकाया बिल की वसूली में नरमी बरती जाए, वहीं किसान को बिजली बिल भरने के लिए और भी ज्यादा वक्त मिले। बकाया बिल के लिए शिविर लगाया, लेकिन किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन काटा नहीं जाए। इस वक्त किसानों को गेहूं और चने की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत है। इधर बिजली बिल के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के पहले ही सांवेर में बिजली सप्लाई सुधार के लिए कई काम किए जा चुके हैं, लेकिन विधायक ने अब किसानों के लिए जो कहा है उस पर भी अमल किया जाएगा। हालांकि इस मौके पर मंत्री पद की शपथ लेने के सवाल पर तुलसी सिलावट ने कहा कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेषाधिकार है। शपथ कब होगी इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। अभी सांवेर में इलेक्शन के पहले तो हमने काफ़ी काम कर दिए थे, करीब 5.5 करोड़ के काम कर दिए थे। अब छोटे छोटे कुछ काम बचे हुए हैं, उसके लिए साहब ने रिक्वेस्ट मतलब कहा है, तो वो उसको बजट के हिसाब से उसको पूरा करेंगे। अब वसूली तो खैर अब इलेक्शन में हम लोग उतना ज़्यादा कर नहीं पाए थे, अभी कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय का ये था कि उसको सख्ती तो करें, लेकिन एकदम कनेक्शन काटने की कार्रवाई इस तरह से ना करें, उनसे कोऑर्डिनेशन बना के वसूली करें, तो वो कर रहे हैं हम लोग। सर, कोई क्षेत्र की हम बात करें दोनों रीजन की, तो किस तरह की स्थितियाँ वसूली को लेकर? तो अभी तो ठीक ठाक स्थिति, अच्छी वसूली हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अभी चूँकि कुछ काफ़ी सहूलियतें गवर्नमेंट ने दी भी थी, उसके बाद पैसा आने में दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन हम लोग पब्लिक से कोऑर्डिनेशन बना करके और वसूली कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आ रही है। सर, दूसरा ये था कि मेट्रो का काम चल रहा है जो हाई टेंशन का, आज आपने बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की? नहीं, सीएमडी साहब के साथ पूरे अधिकारियों से बैठक की। ग्रामीण अंचल में कुछ समस्या आ रही थी वसूली को लेकर, कहीं ट्रांसफार्मर को लेकर, कहीं केबल को लेकर, कहीं तार को लेकर, सारे मुद्दों पर बैठकर हर बिंदु पर समीक्षा की गई है, इसमें सुधार किया जाए। सीएमडी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि अन्नदाताओं को, किसानों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं आएगी, कि बिजली की कमी नहीं होगी। ट्रांसफार्मर जो चलेगा मात्र 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जहाँ जहाँ तार की गंभीर स्थिति है उनको ठीक की जाएगी, जहाँ केबल ने केबल लगाई जाएगी। मंजरी टोले पर कोई भी ऐसा बचा नहीं जिले में, ना सांवेर में, हर जगह 24 घंटे की बिजली दी जा रही है। इन सारों कनेक्शन वगैरह भी काटे गए नहीं, वो सारे जोड़ दिए जाएंगे। कुछ वसूली का है, उसी गंभीर मुद्दों पर लेके मैंने बात की है। जो मैंने कहा अभी कोई कनेक्शन मत काटो, उनसे बात करो, समन्वय बनाओ, सामंजस्य बनाओ, फिर उसके बाद काटो। शिविर लगाओ, मैंने कहा हर जगह शिविर लगा के आप सूचित करो कि आपके ऊपर इतना पैसा बकाया, इतने दिन से बकाया है, उनके संज्ञान में हो, और जो भी काम करो बिना किसानों के विश्वास में लेके बिना मत करना। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक तुलसीराम सिलावट ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान जल संसाधन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जल्द ही फिर मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी दिन और समय तय नहीं हुआ है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।